पूर्व भारतर विकाश पाई प्रधानमंत्री ब्लूप्रिंट कहिले भारतर विकासर छवि आकलन सरिछि। पूर्व भारतर नेतृत्व रे देशरे स्वर्णिम अध्याय आरंभ हेबाकु जाउछि। भारतर संपूर्ण क्षमतार पूर्ण व्यवहार करा जिवो। पूर्व भारतर सहभागिता द्वारा ही भारतर पूर्ण विकास संभवपर। उत्कल जननी ने ऐसे महामानवों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू से सींचा। जब अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वालों की बात चलती है तो सहज ही नाम याद आ जाता है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का। आधुनिक ओडिशा गठन रा मुख्य पुरोधा डॉक्टर हरकृष्ण मेहताब को लिखित ओडिशा इतिहास रा हिंदी संस्करण रा उन्मोचन रा अवसर थिला। ओडिशार विविधता भरा समृद्ध इतिहास संपर्क में बखाणवा समय प्रधानमंत्री पूर्व भारतर सहभागिता को आधार कर आंकी विकसित भारतर छवि कही। पूर्व भारत में रही एते मात्रा रे प्राकृतिक उत्स जे पूरा भारतर छवि बदल पार। पूर्व भारतर नेतृत्व में ही देश में स्वर्णिम अध्याय संभवपर। उस समय मैंने कहा था कि अगर भारत का संतुलित विकास नहीं होता है तो शायद हम हमारे पोटेंशियल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान करके चलता हूं उस समय से कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बनाते हैं तो पश्चिम में आपको इन दिनों प्रगति समृद्धि सब नजर आएगा, आर्थिक गतिविधि नजर आएगी नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहां इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता है। मोदी कहिसंती ओडिशा इतिहास रो आमको पूरा भारत रो सामर्थ्य देखिबा को मिले। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब को परि व्यक्तित्व विरल जे कि स्वाधीनता पई निजर जीवन को समर्पित करथिले। एथसहित गोपबंधु दास को एक उक्ति को दोहराई पूर्ण भारत विकास रो कथा कहिथिले मोदी। साथियों उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल ता मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांति प्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई उसकी चर्चा होती है, आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी, धीरे धीरे करके बैंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी भारत, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए
कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है। पूर्व भारतर दुई राज्य ओडिशा एवं बेंगल पूरा पूर्व भारतर विकास रो नेतृत्व नेबार क्षमता रखिछन्ति। देशर भलो पई बड़ निर्णय नेबार समय आसी जाइछि। भारतर भविष्यत पई पूर्व भारत को समृद्धशील करबा पई आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।